माय नेम इज गुलाम मोहम्मद चिंचोलकर. क्वालिफाइड एज अ प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक इंजीनियर बाय बर्थ आई हैड अ कॉन्जिनेंटल डिफॉर्मिटी. इट्स अ शॉर्टनिंग ऑफ 13 इंचेस राइट नाउ. आई वाज टेकन टू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर रिहैबिलिटेशन. When the doctor saw my leg, they said he should be amputated. My parent was very much hurt. They said, no, we cannot do that. And they took me home. I couldn't walk. I was just crippled, severely crippled. Some of the doctor who took the challenges at that time and they made up me the first process similar like this and same pattern and same design is I'm wearing right till now. But as I have grown up, the problem of my leg has increased because of the increase in length. And because of the increase in length, there was increase in the deformity. And to align the prosthetic, it had become very difficult. So, how to tackle this? Early Jaipur food, I said that the technique, you know, it's heavy. Making is difficult. There is no total contact. Processes needs a total contact because it takes your weight. It has to bear weight at different areas, which is not properly possible. With the new one, you can bear the patella tendon weight pressure, where the pressure at the different muscles. So that way it is helpful. That I have hunted all over India for my complicated cases, and with this technique, I'm happy, and I'm going to go back to my people in Chennai and tell them, see, this technique has helped me. कस्तियाँ सबकी पार लगती है, ना खुदा जिसका उसका खुदा होता है. खुदा मदद के लिए आता है मगर खुद चलकर नहीं आता. खुदा मदद के लिए आता है मगर खुद चल के नहीं आता. हम सब जो अच्छे लोगों हैं, जो लोटेरियन है, जो अच्छे लोग हैं, उनके जरिए तुम्हारी मदद करता है. खुदा ही मदद करता है अच्छे लोगों के जरिए. हमारी जिंदगी कैसी है? रेल के पत्री की तरह, लोखंड की एक तली दूसरी तली और बीच में से जुड़ी हुई है वुडन पट्टी. तो एक पट्टी जो है जिसका नाम है रिहैबिलिटेशन. रिहैबिलिटेशन मतलब आपको आपके पैरों पर खड़े करना, और ये काम बाखूबी ये अंजाम देते हैं. मेरे पास बहुत सा वक्त होता तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताता कि ये इनसे अच्छा क्यों करते, और आप लोगों के तक कहीं कहीं कहाँ कहाँ पहुँचते जहाँ वो आपके तक नहीं पहुँच सकता, ये वहाँ वहाँ जाकर पहुँच जाते हैं. और उनकी मदद करने वाले ये ही लोग हैं. फिर ये जो पट्टी जो है छोटी है वो है एजुकेशन. अगर हमको ये एजुकेशन नहीं मिलता, खाली पैर मिलता, तो हम क्या करते? पैर पहनते और घर में बैठते हैं, सोते नहीं. एजुकेशन भी उतना ही ज़रूरी है. जो लोग पैर देते हैं उनकी जिम्मेदारी ये भी है कि वो एडुकेशन के साथ जोर दे. और एडुकेशन के बाद जो दूसरी पट्टी है उसका नाम है अपॉर्चुनिटी जॉब. जॉब अगर ये तीनों पट्टी मिल जाए, ये तो हमारी जिंदगी की रेल से बहुत अच्छी तरह से चलेंगी.